64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 67 वोट की चार्जिंग सपोर्ट और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G सा पावरफुल गेमिंग चिपसेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 ऑलराउंडर फोन्स अंडर 20,000 रुपीज। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ नए तो कुछ पुराने स्मार्टफोन्स को रखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल फीचर वाइज सभी के सभी फोन्स काफ़ी कमाल के हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी को कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोस और कॉन्स को भी ऐड कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन को रैंक किया हुआ है ओवरऑल फीचर वाइज। बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर हमने रखा है एक लेटेस्ट स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाता है वन प्लस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वन प्लस के फैन हैं तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इस स्मार्टफोन का नाम है वन प्लस नॉर्ड CE2 लाइट 5G। नाम तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको क्या फीचर्स देता है। पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और रही बात डिज़ाइन की यार, तो वन प्लस के डिज़ाइन हमेशा ही काफ़ी अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक आपको फ़ोन के अंदर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको ऑडियो भी डिसेंट टाइप की मिल जाती है। कार्ड ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों, ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 12 बेस ऑक्सीजन OS 12.1 पर, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये तो थे फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फ़ोन के अंदर आपको दी गई है 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको यहां पर मिल जाता है, और फ़ोन को आउटडोर में इस्तेमाल करने के लिए आपको यहां पर 450 नीट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इस बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। गेमिंग की बात करें तो आपको यहां पर 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटेंट वॉचिंग के साथ साथ गेमिंग के लिए भी अच्छे डिस्प्ले मिल जाती है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो फ़ोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फ़ोन का कैमरा सेटअप भले ही आपको डिसेंट मिल रहा है, लेकिन मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। अगर आप स्टिल फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो आप एक बार इस फ़ोन को ज़रूर देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। दोस्तों, ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें काफ़ी कम आती हैं और बैटरी बैकअप भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा मिलता है। बात ओवरऑल परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन ऑनतुतु पर स्कोर करता है लगभग 4.25 लाख के आसपास, जिससे आपको ये समझ में आ चुका होगा कि परफॉर्मेंस तो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती ही है, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छी लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग वगैरह जैसे टास्क को भी आप यहाँ पर ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इन सभी के अलावा फ़ोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज भी लगी हुई है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफ़ी फास्ट दे देता है। सो ओवरऑल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के पावर हाउस की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, और देखा जाए तो काफ़ी अच्छे साइज़ की बैटरी आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से दे देती है। साथ ही साथ फोन के अंदर आपको 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल भी आपको यहां पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। रही बात फोन के प्रोज और कॉन्स की, तो वो आप यहां पर देख सकते हैं। सो अगर आपको ये फ़ोन पसंद है तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन के साथ में जा सकते हैं। 6GB रैम, 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपये। लेकिन याद रहे दोस्तों कि अगर आपको वन प्लस की तरफ से ही स्मार्टफोन लेना है, तभी आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कीजिएगा। और हाँ गाइस, सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो यार एक बार उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले फ़ोन की तरफ। अगला जो फ़ोन है दोस्तों, वो आपको कैमरा के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है और काफ़ी गुड लुकिंग फ़ोन है।
ये फोन है यहाँ पर Realme का 9 Pro। तो शुरू करते हैं यहाँ पर फोन की बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बैक साइड आपको यहाँ पर ग्लॉसी देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों काफी प्रीमियम लगता है। और रही बात डिजाइन की, तो वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, जिससे आपको यहाँ पर ऑडियो डिसेंट टाइप की मिल जाती है। साथ ही में ये फोन आता है यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन के साथ में। तो आइदर आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोस्तों ये आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 के साथ में, जहां पर आपको मिलता है Realme 3.0, जो कि आपको सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आती। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। हालांकि यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको अप टू 500 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास शिकायत नहीं आएगी फोन को आउटडोर इस्तेमाल करने में। साथ ही में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो यहाँ पर भी आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल रही है वो काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले में आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है, लेकिन आपको आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात कर ले तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 30fps तक। तो अगर आप अच्छे कैमरा वाला स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो आप एक बार इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट, और दोस्तों इस बजट में यही एक चिपसेट है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है और स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी देता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, जिससे आपको यहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम काफ़ी कम आती है और बैटरी एफिशिएंसी फोन की आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। डे टू डे यूजेस में फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, गेमिंग के लिए लगभग आपको यहाँ पर 4 से 4.25 लाख के आसपास के अंतत स्कोर मिलते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छी लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं, साथ में वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग भी आप यहाँ पर कर सकेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही में आपको यहाँ पर फोन की पढ़ने और लिखने की शक्ति भी फास्ट मिल जाती है। फोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज लगा हुआ है, तो ओवरऑल जो फोन की परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर फोन के पावर हाउस की बात करें तो दोस्तों फोन के बैक साइड में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, और ये बैटरी आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन भी 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज के बारे में। तो फोन के अंदर आपको लुक्स, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी बैकअप और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, ये सभी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। कॉन्स की बात कर लें तो भाई यहाँ पर आपको अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन मिलता है, और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको जायरो EIS भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये थे स्मार्टफोन के कुछ कॉन्स। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे कैमरा के साथ में 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे लगभग 19,000 रुपये। वैसे दोस्तों सेल वगैरह में ये स्मार्टफोन आपको 17 से 18 हज़ार रुपये की प्राइस पर मिल जाता है। सो अगर आप चाहें तो सेल में भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छे कैमरास के साथ में आता है। अगर आप चाहें तो एक बार आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन है ये आपको एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन मिल जाता है, जहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी से लेकर के कैमरा परफॉर्मेंस और साथ ही साथ बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। दोस्तों ये फ़ोन है यहाँ पर पोको का X4 Pro 5G। लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों तो ये फोन आपको इस बजट के अंदर प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फुल्ली ग्लास बिल्ड पर बना हुआ फोन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही में हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। रही बात डिजाइन की दोस्तों, तो डिजाइन भी काफी अच्छा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में ये फोन आता है हाइब्रिड कार्ड स्लॉट के साथ में, तो आइदर आप यहाँ पर एक साथ में दो 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात कर ले तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 13 पर। हालांकि दोस्तों एंड्रॉइड 11 है, लेकिन आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह काफ़ी कम मिलते हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। तो फोन की जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है दोस्तों वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती।
तो दोस्तों ये तो हुए फोन के बेसिक फीचर्स। अब बात कर लेते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रेडिक्शन आपको मिल जाता है और 1200 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस दी गई है, जो कि दोस्तों यूजुअली हमें यहाँ पर 20,000 रुपये के ऊपर वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलती है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी फोन के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, साथ ही में गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। तो डिस्प्ले दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। कैमरास की बात कर लेते हैं तो फोन के बैक साइड में आपको मिल जाते हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की बात कर लें तो सामने आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और आपको यहाँ पर मेन कैमरा से डे लाइट में इमेजेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, हालांकि थोड़ी सी ओवर सैचुरेटेड होती हैं, लेकिन दोस्तों नाइट में भी आपको यहाँ पर फोटोज़ काफ़ी अच्छी मिलती है, तो ये अच्छी बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। अगर आपको यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन अच्छे चाहिए थे तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इस स्मार्टफोन को स्किप कर देना चाहिए। भाई फोन को शक्ति प्रदान करने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर, तो हीटिंग की शिकायत आपको काफ़ी कम मिलती है, साथ ही में लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, फोन का बैटरी बैकअप भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलता है। परफॉर्मेंस की बात कर ले तो डे टू डे यूजेस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। और हाँ दोस्तों, अंततु स्कोर की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 4 लाख के आसपास के अंततु स्कोर मिल जाते हैं, जो कि आपको गेमिंग भी काफ़ी अच्छी करा देते हैं। ओवरऑल दोस्तों फोन की जो परफॉर्मेंस है ये आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, साथ ही में आपको यहाँ पर UFS 2.2 वाली स्टोरेज भी मिल जाएगी, तो रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाता है। फोन के पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से देती है। साथ ही में ये फोन यहाँ पर 67W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 67W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉडल दोस्तों फोन का यहाँ पर धमाकेदार है। सो अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज के बारे में। तो फोन के अंदर आपको डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा और दोस्तों बैटरी लाइफ के साथ साथ डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉयड 11 पर लॉन्च किया गया है, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन का एक डिसएडवांटेज है। और साथ ही में दोस्तों फोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की ही मिलती है। सो देखा जाए तो ये थे स्मार्टफोन के कुछ डिसएडवांटेज, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोज पसंद है तो आप स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। 6GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 18,999 रुपये। सो अगर आप यहाँ पर एक वेल बैलेंस स्मार्टफोन लेना चाहते थे तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आप इस लिस्ट के आखिरी फोन की, जो कि इस बजट के अंदर आपको टॉप लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और दोस्तों ये फोन भी है रियलमी की तरफ से, रियलमी का 9 5G SE। ये देखते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या कुछ दिया गया है। पहले बात कर लेते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, फोन का डिज़ाइन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है। रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो आजकल के सभी स्मार्टफोन्स TUV रिनलैंड सर्टिफाइड होते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। हालांकि दोस्तों प्लास्टिक बिल्ड पर ही बना होगा स्मार्टफोन, लेकिन फोन की बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रही बात फोन के अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन आपको यहाँ पर फोन के अंदर दिए गए हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, इस स्मार्टफोन का ये एक बड़ा एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों फोन के अंदर हमें यहाँ पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, जबकि दोस्तों इस प्राइस पर यार लगभग सभी स्मार्टफोन्स के अंदर हमें स्टीरियो स्पीकर सब देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन का ये एक डिसएडवांटेज है। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉयड 11 पर, जबकि दोस्तों रियलमी 9 प्रो और 9 प्रो प्लस इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था रियलमी के UI 3.0 पर, यानी दोस्तों एंड्रॉयड 12 पर। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें मिलता है रियलमी का UI 2.0, तो थोड़े मोटे ब्लॉटवेयर ऐप और एड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो फोन का जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। अब जानते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में। यहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, तो ये अच्छी बात है कि यार इस बार रियलमी ने कंफर्म तो कर दिया कि हमें यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि लगभग आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की तरह मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन में शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मैक्सिमम 600 नीट्स की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, तो आउटडोर में भी आप यहाँ पर इस फोन को इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं।
रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो इस बजट के अंदर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है जो कि इस स्मार्टफोन के अंदर दी गई है। तो ये स्मार्टफोन का एक और एडवांटेज है। हालांकि दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर 240 हर्ट्ज की ही मिलती है। तो देखा जाए तो और जो डिस्प्ले दी गई दोस्तों ये आपको अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। दोस्तों इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं तीन कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सामने की तरफ हमेशा की तरह आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप दोस्तों यहाँ पर एवरेज है और यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी आपको एवरेज ही मिलती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर काफी रिसर्च और एनालाइज करके आप सभी के लिए स्मार्टफोन लेकर के आते हैं। हमने काफी सारे रिव्यूज देखे हैं और वहां पर हमें यही पता चला है कि फोन का कैमरा यहां पर एवरेज परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहां पर एक काफी अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों फोन के अंदर आपको यहां पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30fps तक बैक कैमरा से। और सामने की तरफ दोस्तों आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक। तो बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 778G का 5G चिपसेट, जो कि दोस्तों हमें नॉर्मली यहां पर 20,000 रुपए के ऊपर के बजट के अंदर ही मिलता है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहां पर बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल जाती है, हीटिंग वगैरह की जो दिक्कतें हैं वो भी आपको यहां पर काफी कम मिलती, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और दोस्तों डे टू टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस दोस्तों कमाल की मिलती है, तो उसमें आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। गेमिंग के लिए दोस्तों यूजुअली Qualcomm Snapdragon 778G 5 लाख के आसपास के स्कोर करता है Antutu पर, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के जो स्कोर है वो आपको यहाँ पर 5,40,000 के आसपास के मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी अच्छी होने वाली है, गेमिंग वगैरह भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकेंगे। और हाँ दोस्तों ये चिपसेट आपको वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग भी काफ़ी अच्छी करा देगा, और दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर फोन में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको यहाँ पर UFS 2.2 की स्टोरेज भी मिल जाती है, तो एप्स लोडिंग टाइम तो फास्ट होने वाली ही है, आपको यहाँ पर रीड और राइट की जो स्पीड है वो भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देती है अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं। साथ ही में चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर 30 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। दोस्तों अब बारी है यहाँ पर फोन के कुछ प्रोस की। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 778G जैसा पावरफुल चिपसेट मिलने वाला है, फोन का बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, और फोन की डिस्प्ले और डिजाइन दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई है, जिससे आपको यहाँ पर बैटरी की खपत थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों फोन का जो कैमरा सेटअप है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, स्पेशली तौर पर रियर कैमरा साइड, लेकिन सेल्फी कैमरा आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। और इस स्मार्टफोन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए या फिर आप यहाँ पर एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते थे रियलमी की तरफ से, तो आप इस स्मार्टफोन को जरूर से देख सकते हैं। 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 20,000 रुपए, लेकिन दोस्तों अगर अभी आप इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो थोड़े मोड़े बैंक ऑफर लगाने के बाद ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है 18,000 रुपए की प्राइस पर। तो दोस्तों अगर आप यहां पर एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते थे इस बजट में, तो आप इस स्मार्टफोन के साथ में भी जा सकते हैं। सो फाइनली गाइज ये थे वो टॉप 4 ऑल राउंडर स्मार्टफोन, जिनको कि आप एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। सभी के जो बेस्ट पाई लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और हाँ दोस्तों आप जाते जाते ये भी जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी को इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।